माय चैनल लास्ट फूड खजाना वंस अगेन। आज धनबाद का डे 4 है और हम आज कवर करने वाले हैं आरी होटल। ये होटल बहुत ही फेमस है मटन के लिए, तो आइए यहाँ का ट्राई करते हैं कुछ डिश मटन स्पेशल। और कुछ बताना चाहेंगे अपने शॉप के बारे में? कुछ नहीं, जैसे मतलब क्या कैसे क्या सोच के शुरू किया था और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बस ऐसे शुरू कर दिया है ना कुछ? बहुत उस टाइम हमारा 24-25 साल उम्र, 24-25 साल में आपने शुरू कर दिया था है ना, और तब से यही कर रहे हैं। माशाल्लाह, चलिए बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत बहुत फेमस है आपका शुगर जी। बिल्कुल, मैं करके बताती हूँ आपको कैसा इसका टेस्ट वगैरह, ठीक है? तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ का मटन चावल, फिर बताते हैं आपको इसका फीडबैक। कैसा लगा आपको यहाँ का मटन चावल? मटन चावल की अगर बात करें, बिल्कुल घर वाला ऑथेंटिक मटन है ये, बिल्कुल हमारे बिहार में जैसे बनता है ना मटन, बिल्कुल मसालेदार, कम नमक और बिल्कुल गल गया है मटन। बहुत अच्छी बात है, कभी कभी होटल में क्या होता है मटन गलता नहीं है, बिल्कुल गला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। अगर आप धनबाद आए तो तिवारी होटल मोस्ट रिकमेंडेड, आप ज़रूर यहाँ आए। अंकल वाकई बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है? ओके, अभी हम पहुंच चुके हैं गया सिंह लिट्टी, ये भी धनबाद का एक बहुत ही जाना माना दुकान है, वहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं लिट्टी खाना, तो आज हम भी ट्राई कर लेते हैं यहाँ की लिट्टी। रश तो ठीक ठाक दिख रहा है, तो ये भैया है इस शॉप के ऑनर। कब से कर रहे हो भैया? काफी टाइम से कर रहे हो, तो कैसा रिस्पांस मिलता है आपको यहाँ लिट्टी का? अच्छा रिस्पांस है, बढ़िया। ओके, तो यहाँ पे दो तरह की लिट्टी है, एक घी वाली और एक सादी लिट्टी। बटर वाला बटर भी है, अमूल बटर। कौन कौन सी है? सादी लिट्टी है, घी लिट्टी है, बटर लिट्टी है, दूध वाली लिट्टी है। दूध वाली लिट्टी भी है, दूध वाली लिट्टी तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। तो ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ की लिट्टी, देखते हैं कैसा है। ओके, ये देखिए कितनी जबरदस्त दिख रही है, ये एकदम घी में लटपट जैसा है, बहुत अच्छा अच्छा भी है, गर्मा टेस्टी बहुत अच्छा। ओके, मतलब कि जैसा हमने नाम सुना था वो काफी पसंद आ रहा, अच्छा टेस्ट करते हैं थोड़ा, सुनो ना वाकई बहुत टेस्टी है। और ये जो चटनी है ये देखिए, ये कुछ भरता है, ग्रीन चटनी है, मिर्च है, सबका टेस्ट लाजवाब। घी का खुशबू भी अच्छा है, अच्छा है घी का, प्योर घी है। कैसा लगा आपको बिहार का फेमस लिट्टी जय सिंह लिट्टी? धनबाद में बहुत ज़्यादा फेमस है, लटपट चटनी मस्त, काफ़ी अच्छा बेक कर रखा है, मज़ा आ जाएगा खा के आपको। धनबाद में हो गैस सिंह लिट्टी आप जरूर आओ अगर आपको लिट्टी ट्राई करना है। मिक्स नहीं था ना, हाँ उसकी खुशबू भी थी और फ्लेवर भी पूरा था। अच्छा, थैंक यू। गया सिंह लिट्टी तो खा लिया हमने, बहुत अच्छा लगा। अब हम निकल रहे हैं, कौन सी चाय पीने जा रहे हैं?
रामचरित्र स्टेशन की बहुत पुरानी और बहुत फेमस चाय वाली की शॉप है, तो हम वहाँ से पियेंगे चाय। धन्यवाद। ये और भी वीडियोस बने हैं, 3 वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है, उसे जरूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। पहुंच चुके हैं रामचरित्र सिंह चाय वाला स्टेशन के बाहर। ये चाय की शॉप है, बहुत पुरानी और बहुत ही फेमस, तो आइए देखते हैं इनकी चाय। 3 चाय लेते हैं। ये वाली पीजिएगा क्या? तंदूरी नॉर्मल चाय, हाँ। 3 कप। तो आ चुकी है स्टेशन की स्पेशल चाय रामचरित्र सिंह। यस, अच्छा, एकदम गाढ़ा और सुंदर सुंदर सा इसका जो फ्लेवर आ रहा है ना, वो बहुत जबरदस्त है। ये शॉप रात को काफी लेट तक खुली होती है और जनरली लड़के यहाँ पे कभी किसी का मन हुआ नाइट आउट का, तो ये दुकान उनके लिए खुली है, वो आराम से आते हैं, चाय पीते हैं, खूब सारी गप्पे करते हैं। ये शॉप कब से आपकी? कितना बताऊँ, 100 ईयर्स। 100 ईयर्स। 62 मेरा पिताजी दादाजी ये सब कर रहे हैं यहाँ पे, इनका किया हुआ कारोबार है। ओ माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत आपका नाम है, लेकिन ये जो चाय है ना, आप लोग आते हैं तब ना नाम है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी चाय थी। थैंक यू, धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? उमेश कुमार सिंह। उमेश कुमार जी, आपसे बड़ी हमारी बेटी है। अच्छा अच्छा, नाती हमारा बेटी के एग्जाम देगा इस बार। बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू भैया। तो सुना आपने, ये भैया की शॉप है 100 ईयर्स पुरानी, इनके दादा ने ये शॉप खोली थी, दादा के बाद फादर, फादर के बाद अभी अंकल संभाल रहे हैं। बहुत अच्छी चाय थी, अगर आपको कभी भी मौका मिले, जब भी आप धनबाद स्टेशन आए, यहाँ की चाय जरूर पीए।